जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स और 5 तारीख हो गई आज 5/8/2021। प्रश्नावली नंबर 2 का प्रश्न नंबर 14। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 14। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद में आपको भारतीय संस्कृति के हिसाब से लिखी हुई भाषा है, इसलिए यह प्रश्न नंबर 14 में एक दो प्रश्न आपको और करवा रहा हूँ, जिसमें आप क्या लिखा है। एक परीक्षा में 164 छात्र सम्मिलित हुए। कितने हुए थे? 264 छात्र सम्मिलित हुए थे। इसमें से 164 छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण में पास हो गए? तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण फेल कितने हुए? तो कक्षा में छात्र कितने सम्मिलित हुए? 264 छात्र परीक्षा में बैठे, ठीक है, अपने से ले लेते हैं। और पास कितने हुए? 184 छात्र। कितने हुए? 184 छात्र। कितने हुए? 184 छात्र पास हुए। कितने हुए? 184 छात्र पास हुए। कितने हुए थे? 184 छात्र पास हुए। तो 184 को क्या करेंगे इसमें से? यानी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए तो क्या करेंगे इसमें से? बाकी निकाल लेंगे और जो पीछे अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे। तो 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 रह जाएगा, और ये 6 में से 9 जाता नहीं है, इसलिए एक इसे क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो 6 के 16 बन जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। कितने रहेंगे? 7। और फिर एक इसको उधार दे जाए, एक बच गया, एक में से एक जाएगा तो कितना रहेगा? 0। यानी 70 छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। क्या हो गए? अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। क्या हो गए? अनुत्तीर्ण फेल हुए, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 70 छात्र। तो अब इसको 4, 9, 7, 8, 16, 17 हो गए, ठीक है। 7 और 9 कितने होते हैं? 10 से 16 हो गए, और 1, 2, ठीक है, ये आपका वाक्य बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 9632 है। एक संख्या 3846 है, इसकी दूसरी संख्या क्या? तो इसका भी हम बाकी करेंगे। पहले संख्या से योगफल कितना है? 9732 योगफल है, और एक संख्या कौन सी है? 3846 यह एक संख्या है। तो यहाँ दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अपने को, दूसरी संख्या, ठीक है, उत्तर होगी आपके। तो दूसरी संख्या कैसे करेंगे? बाकी निकाल लेते इसी में से ही। तो ये कितने हैं? 2 में से 6 जाता नहीं, इसलिए क्या करेंगे? एक उधार लेंगे, तो 2 के 12 माने जाएंगे, और 12 में से 6 गए तो 6 रह गए। अब 3 है, 3 में से 4 जाता नहीं, और एक उधार दिया हो गया तो 2 रह गए, 2 में से 4 जाता नहीं, इसलिए 2 को क्या मानेंगे? एक उधार लेकर 12 मानेंगे, 12 में से 4 गए, 8 रहते हैं। अब क्या करेंगे? ये कितने? 7 है, 7 में से 1 चला गया, 6 रह गए, 6 में से 8 जाता नहीं, इसलिए क्या मानेंगे? 6 को 16 मानेंगे, 16 में से 8 गए, 8 रह गए। ये 9, 9 में से 1 निकल गया, पीछे कैसे 8 रह गए, 8 में से 3 कम करेंगे तो कितना होगा? 5 रह गए। ये है दूसरी संख्या हो जाएगी आपके। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट में आप देखिए प्रश्न नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली का। 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 रुपये। 3 पर्दे कितने हैं? 125 रुपये 3 पर्दे सिलवाने के लिए कपड़ा, सिलवाने के लिए कपड़ा, ठीक है। अब देखिए,
कपड़े की आवश्यकता है और 5 शमियाने सिलवाने के लिए 286 मीटर। ये क्या है? मीटर कपड़े शमियाना। शमियाना यानी कितने की? 3 शमियाना। 3 शमियाना हो गए। और सिलवाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है, उसके लिए कपड़े, कपड़ा, ठीक है, समझ आ जाएगी आपके। अब नेक्स्ट में तो क्या आवश्यकता है तो बताओ, पर्दों और शमियानों में कुल कितना कपड़ा? कुल का आते ही अपन क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे अपन? सीधा जोड़ करेंगे, प्लस करेंगे, तो कुल कपड़ा आ जाएगा। कुल क्या आ जाएगा? कपड़ा 6 कपड़ा उत्तर में आ जाएगा आपका। तो 15 में से 6 चला गया, क्योंकि 5 में से ज़्यादा नहीं इसलिए उधार लेंगे। तो 15 मान लीजिए, 15 में 6 गए, 9 रह गया, कितने रह गए? 9 रह गए। और फिर ये 12 में से 1 चला गया, ये 2 में से 1 चला गया, 1 रह गया, 1 में से 8 ज़्यादा नहीं इसलिए 1 को क्या मानेंगे? 11 मानेंगे। तो 11 में से 8 जाएंगे तो क्या रहेगा? 3। क्या रहेंगे? 3। फिर 1 उधार दिया, वो उधर चला गया, तो 1 में से ये कितना है? सॉरी, ये बाकी जोड़ करनी है अपने को, तो दोबारा कर देते हैं इसको, छोड़ हटाओ, कोई बात नहीं, जगह पड़ी अपने पास नीचे, ये माइनस कर दिया मैंने गलती से, जोड़ कर देते हैं इसको। 5 और 6 कितने होते हैं? 11 होते हैं। हासिल लगा 1, कितना लगा? हासिल 1। और 2 और 1 3, 8 और 3 11 होते हैं। कितने होते हैं? 8 और 3 11 होते हैं, ठीक है। और फिर 2 और 11 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 2 4, यानी 411 मीटर कुल कपड़ा कितना लगेगा? 411 मीटर कुल कपड़ा लगेगा। जय श्री कृष्णा।